हैं डॉक्टर कैलाश स्वामी, आपको सभी एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत। हमने एप्टेरी इंसेप्टा के अंदर एप्टेरिकॉट्स की बात कर रहे थे। हमने आपको बताया कि सभी इंसेक्ट को टेरिकोटा और एप्टेरिकोटा, एप्टेरिकोटा ये मतलब एब्सेंट टेरिकोटा, यानी विंग्स नहीं है जिनके अंदर, और टेरिकोटा जिनके अंदर विंग्स पाए जाते हैं, विंग बेरिंग इंसेक्ट टेरिकोट्स में आते हैं। एप्टेरिकोट्स इंसेक्ट को फिर से एक्टोगनेथा और एंटोगनेथा में डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक्टो यानी बाहर, एंटो मतलब इंसेक्ट। वे इंसेक्ट, दोज इंसेक्ट हैविंग माउथ पार्ट्स इनसाइड द बॉडी कंसील्ड कंडीशन आर नोन एज एंटोगनेथ। इनके यानी प्रोटीरा, कोलम्बेला और डाइफ्लोरा, ये तीन ऑर्डर है, प्रिमिटिव है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब इनके मिलते भी नहीं है। एंटोगनेथा इंसेक्ट के नीचे की ओर हेड कैप्सूल के अंदर रहते हैं, छुपे रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, और इसके बाहर रहते हैं थाइसेन्यूरा। थाइसेन्यूरा आप सभी जानते हैं, आपने सभी ने पढ़ रखा है सिलोफिश के बारे में। लेपिस्मा आपके किताबों में, किचन में, कपड़ों के बीच में, लिनन क्लोथ के कपड़े जो फ्यूकस और सेलुलोज वाले जो मेटेरियल मिलता है उसको सिल्वरफिश खाना पसंद करती है। थाइसेन्यूरा जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। एक्टोगनेथा, ये तीन ऑर्डर प्रोट्यूरा, कोलम्बेला, डाइफ्लोरा, तीनों को का रिजेंबलेंस सिल्वरफिश वाले ऑर्डर थाइसेन्यूरा से नहीं है। कई बार इनको ये माना जाता है कि ये इंसेक्ट के अंदर है ही नहीं, विंग्स तो इसमें भी नहीं है, लेकिन इसके करेक्टर कुछ एडवांस है जो टेरिकोट से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं एंटो और टेरिकोटा के बीच में। किसको? थाइसेन्यूरा को। आज हम बात करेंगे प्रोट्यूरा की, ऑर्डर प्रोट्यूरा। ये भी एक प्रिमिटिव ऑर्डर है, दो ग्रीक वर्ड से बना है, प्रोट यानी पर, प्रिमिटिव टाइप का ये है, और यूरा मतलब इसके अंदर टेल पाई जाती है, प्रोट मतलब फर्स्ट। टेलसम टेल इंसेक्ट प्रोट्यूरा के अंदर पाए जाते हैं, ये भी टेलसम टेल। अब देखिए, बॉडी सिलेंड्रिकल एंड लास्ट में टेलसम टिप में लास्ट में, यहां पे देखिए आप, यहाँ पे टेलसन पाई जाएगी। आगे की ओर तीन पेयर अपेंडिजेज हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट थोरेसिक लेग, इट एक्ट एज, इट सर्व एज टैक्टाइल ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन के रूप में ये काम करता है, बिकॉज आईज नहीं मिलती, ओसिलाई नहीं मिलती, एंटीनी नहीं मिलती, आईज नहीं है, ओसिलाई नहीं, एंटीनी नहीं है इसके अंदर। ये फर्स्ट, ये आगे की ओर पॉइंटिंग स्टाइल में होते हैं, ये जो फर्स्ट है ये पॉइंटिंग टाइप के होंगे, ये इस तरह से। सेकंड केवल लिम्ब की तरह निकले होंगे, सेकेंड और थर्ड लिंब की तरह, एक जो भुजाओं की तरह निकले रहते हैं, लेकिन फर्स्ट थोरेसिक लेग टैक्टाइल ऑर्गन की तरह, सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। और ये 11 सेगमेंटेड एब्डोमन, ये 11 सेगमेंटेड
जेनिटल अपर्चर यहाँ मिलता है, 11th सेगमेंट होता है बीच में, कैल्शियम के बीच से मिलता है, जेनिटल अपर्चर यहाँ मिलता है। प्रोट्यूरेंस जनरली ह्यूमस और मॉइस्ट प्लेस में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा जिसमें गीली मिट्टी है उसमें रहेंगे, लीफ मोल्ड्स के में मिलेंगे। मॉइस्ट सॉइल में ये रहना पसंद करते हैं। साइज बहुत छोटे साइज है, 0.5 to 2 mm लेंथ, हमारे स्केल के अंदर 1 cm के अंदर 10 mm 10 लाइनें अपन देखते हैं, यानी पहली दो लाइन में ये खत्म हो जाता है, उसमें भी इस दो लाइनों के अंदर भी ये यहाँ तक बॉडी है जिसमें 11 सेगमेंट है। सोचिए कितने छोटे ये प्रिमिटिव इंसेक्ट्स हैं। 200 स्पीसीज इसकी हमारे को ज्ञात है इसकी, और इनके जो एडल्ट और इनके जो इमेच्योर्स हैं ये ह्यूमस पे डिपेंड रहता है, दे प्रेफर टू फीड ऑन ह्यूमस। इनके अंदर एक विशेष प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है जिसे कहते हैं एनामोर्फोसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ईच एब्डोमिनल सेगमेंट विल बी एडेड आफ्टर ईच सक्सेसिव मोल्ट, यानी मोल्टिंग होती चली जाएगी और एब्डोमेन के साथ एक एक सेगमेंट एड होता चला जाएगा। इसको कहते हैं एनामोर्फोसिस, यानी एनामोर्फोसिस ग्रोथ अकर्ड इन द ऑर्डर प्रोटोजोआ। इसकी चार मेन मेन फैमिलीज है, ईओसेंटोमिटी, प्रोटोटेंटोमिटी, एस्परपेंटोमिटी और एसेरेंटोमिटी। पहले वाली के अंदर ट्रेकियल और स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, बाकी तीन के अंदर नहीं है, इसी में है, बाकी सब में खत्म हो गए, एब्सेंट है। लेकिन पहले वाले में 3 लेग है, सेकेंड वाले के अंदर 2 पेयर लेग है, एक खत्म हो गया, और इसके अंदर भी जो पहला लेग है इसके अंदर 2 सेगमेंट है, ये 5 सेगमेंटेड है, जो ये एसेरेंटेडिटी है इसके अंदर 5 सेगमेंटेड है, ये 5 सेगमेंटेड है। पांच सेगमेंट वाला फर्स्ट थोरेसिक लेग है, बाकी में किसी में 2 पेयर है, किसी में संख्या घट गई है, और इनके ये एग्जांपल है, इसका एग्जांपल यूसेंटोमोन है, प्रोटोमेंटोमेन का प्रोटोमेंटोमेन है, और इसका एसेमेंटोमेन। ये कुल मिलाकर के प्रोट्यूरा का परिचय होता है। उसके बाद में हम कॉलम वाला लेंगे, डाइक्लोर लेंगे। इस प्रकार से एफ टेरिगोट्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में टेरिगोट्स लेंगे। धन्यवाद।